आखिर क्यों हिंदू धर्म की पूजा पाठ और व्रत में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं? बालाजी मंदिर जाने के बाद क्यों 7 दिनों तक लहसुन और प्याज खाना वर्जित माना गया है? आज हम देंगे इन प्रश्नों का जवाब। मित्रों, लहसुन और प्याज के आयुर्वेद गुणों को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इनका प्रयोग किसी भी प्रकार की पूजा और व्रत में पूरी तरह से निषेध माना गया है। आज हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर समुद्र मंथन की पौराणिक कथा में छिपा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। मित्रों, ये कथा उस समय की है जब श्रीहीन हो चुके स्वर्ग को खोई हुई वैभव संपदा प्राप्ति के लिए देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन करते समय लक्ष्मी के साथ कई रत्न समेत अमृत कलश भी निकला था। अमृत पान के लिए देवताओं और असुरों के मध्य विवाद हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत बांटना प्रारंभ किया। सबसे पहले अमृत पान की बारी देवताओं की थी। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराना प्रारंभ किया। तभी एक राक्षस देवता का रूप धारण कर उनकी पंक्ति में खड़ा हो गया। सूर्य देव और चंद्र देव उसे पहचान गए। उन्होंने भगवान विष्णु से उस राक्षस की सच्चाई बताई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने थोड़ा अमृत पान किया था जो अभी उसके मुख में था। सिर कटने से खून और अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। उसी से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। जिस असुर का सिर और धड़ भगवान विष्णु ने काटा था, उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में जाना जाने लगा। असुर के अंश से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण से इसे किसी भी व्रत या पूजा में शामिल नहीं किया जाता। उनकी जहां उत्पत्ति हुई थी वहां अमृत की बूंदें भी गिरी थी। इसी कारण से लहसुन और प्याज में अमृत स्वरूप औषधि गुण विद्यमान हो गए। लहसुन और प्याज कई तरह की बीमारियों में लाभकारी है। असुर के अंश से उत्पत्ति के कारण इसे तामसिक भोज्य पदार्थ माना गया है। इसी कारण से इसे पूजा आदि में वर्जित माना गया है। मित्रों, जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज पूर्ण रूप से शाकाहारी और शुद्ध देव हैं, जिनका हृदय पवित्रता की मिसाल दर्शाता है, क्योंकि इनके हृदय में साक्षात सिया राम निवास करते हैं, इसीलिए तामसिकता को बढ़ावा देने वाले प्याज और लहसुन को बालाजी मंदिर जाने वालों को खाने से मना किया जाता है। इसी कारण से बालाजी जाने से पहले और बाद में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। मित्रों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।